हे गाइस, तो आज का एकेडमिक वर्ड है कॉन्डक्ट। कॉन्डक्ट एक नाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है और एक वर्ब की तरह भी। पहले हम उसको एक वर्ब की तरह समझेंगे। वर्ब की तरह जब हमने वर्ड यूज किया है कंडक्ट, तो इट मींस टू ऑर्गेनाइज और लीड एन एक्टिविटी। इसका पहला एग्जांपल सेंटेंस जो कि हमने एजुकेशन फील्ड से लिया है वो है, वी कैन कंडक्ट अ मल्टी लेवल इवैल्यूएशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। इसका दूसरा एग्जांपल सेंटेंस जो कि हमने बायोलॉजी फील्ड से लिया है वो है, द फंक्शन ऑफ द वेन्स विल विच कंसिस्ट ऑफ वेसल्स एंड फाइबर्स इज टू फॉर्म a rigid framework for the leaf and to conduct liquids. अब हम देखेंगे कि जब हमने conduct को as a noun use किया है तो उसका क्या बनता है। तो जब हम conduct को as a noun use कर रहे हैं तो इसका meaning हो जाता है somebody's behavior। इसका पहला एग्जांपल सेंटेंस जो कि हमने एक्सपेरिमेंटल चाइल्ड साइकोलॉजी से लिया है वो है, द करंट स्टडी एग्जामिन्ड वेदर चिल्ड्रन 6 to 12 ईयर्स ओल्ड विद वेरिंग लेवल्स ऑफ कंडक्ट प्रॉब्लम्स डिफर फ्रॉम दोज विदाउट कंडक्ट प्रॉब्लम्स इन 3 की एरियाज। इसका दूसरा एग्जांपल सेंटेंस जो कि हमने क्लिनिकल फार्मेसी में से लिया है वो है, दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोड्स ऑफ कंडक्ट और एथिक्स इन फार्मेसी प्रैक्टिसेस। टिल द नेक्स्ट वीक, टेक केयर।